अगर फ्रेंड्स आप भी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में किसी को भी लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता जरूर होगा। और आप भी जानना चाहते होंगे कि लक्ष्मी भंडार का जो एप्लीकेशन जो आईडी है अगर खो गया है तो आपको भी अपना जो लक्ष्मी भंडार का एप्लीकेशन आईडी आपको निकालना अगर होगा कभी तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये प्रोसेस देखकर आप कभी भी आप अपना लक्ष्मी भंडार का जो एप्लीकेशन आईडी है निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस छूट जाता है तो आपको ये जो अपना लक्ष्मी भंडार का एप्लीकेशन आईडी है नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो देखकर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका भी जो ब्राउज़र है ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पर जो आपका ब्राउज़र में सर्च बार होगा तो उस सर्च बार में क्लिक करना है, और आपको सर्च करना होगा जो लक्ष्मी भंडार, ये लिख कर आपको सर्च कर लेना है। जैसे लक्ष्मी भंडार लिख कर मैं जैसे यहाँ पर लक्ष्मी भंडार को लिख कर मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला पोर्टल आ रहा है देख सकते हैं, इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने वाला हूँ कि क्या करना होगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होना है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको कहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो आईडी है आपको डालना है, तो आपको अगर एप्लीकेशन आईडी ही निकालना है तो आपको एप्लीकेशन यहाँ पर आईडी कहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये छोड़ना है कि एप्लीकेशन आईडी को नहीं देना है। आपके पास अगर जिस टाइम आपने लक्ष्मी भंडार को फिल किए थे फॉर्म, उस टाइम आपने कोई भी मोबाइल नंबर वहाँ पर दिए थे, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा इस जगह पर। अगर मोबाइल नंबर आपने नहीं फिल किए थे उस टाइम तो उसको भी हटाइए। तो आपको जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो नंबर अगर आपको याद है तो वो मोबाइल नंबर स्वास्थ्य साथी कार्ड जो नंबर है वो फिल कर लेना होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड भी अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार नंबर डालना होगा। तो इनमें से कोई भी नंबर है आपके पास तो ये नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा इस जगह पर। और यहाँ पर आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैप्चर कोड है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करना होगा। और यहाँ पर कैप्चर कोड कहाँ पर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम को हटाता हूँ, यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैप्चर कोड है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चर, तो आपको इस जगह पर अपना कैप्चर को फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो सर्च बार ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च बार ऑप्शन पर आपको सर्च करना होगा। चलिए मैं इन सब को फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन आईडी को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे मोबाइल नंबर मैंने फिल किया था उस टाइम, और स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, अगर नहीं है मोबाइल नंबर तो फिल किया है, या आधार नंबर आपके पास होगा ही तो आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर लेता हूँ मैं। आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से जैसे ही सर्च कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन आईडी जो है यहाँ पर इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वीडियो को अंत तक देखने के लिए।